हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज तीसरा ट्यूटोरियल ऑफ द सीरीज लर्न क्यूएस 10.5 इन हिंदी। और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं ट्रैक्स के बारे में, कि ट्रैक क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप के ट्रैक होते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं क्यूबेस के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें ट्रैक्स रिलेटेड। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे, जिसका कि नाम है एडिट चैनल सेटिंग विंडो। तो फिर ओपन करते हैं क्यूबेस और बात करते हैं उसकी। तो गाइज़, ये खुल गया क्यूबेस, और इसकी यूज़र इंटरफेस के बारे में और सेटअप के बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बात की हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं ट्रैक से। अब जो ये वाली विंडो है, अब ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे ट्रैक्स हमें शो करते हैं और उनका वेव फॉर्म यहाँ पर शो करता है, ठीक है। मुझे ट्रैक ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और इतने ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं ट्रैक बनाने के। अब बेसिकली ट्रैक होता क्या है, मुझे कोई भी साउंड अपने सॉन्ग में या फिर अपने मिक्स में ऐड करना, तो उसे हम ट्रैक के थ्रू ऐड करते हैं। लेकिन ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक ऐसे भी होते हैं जिनमें साउंड नहीं होता, ठीक है। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप बस इतना समझिए कि जब कोई साउंड हम ऐड करते हैं तब जाके हम ट्रैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज मैं दो ट्रैक आपको बताऊँगा, ऑडियो ट्रैक और इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। और ये ऐसे ट्रैक हैं जो कि आप जब सॉन्ग बनाएंगे तो 99.9% टाइम आपका काम इन्हीं दो ट्रैक से चल जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे जो ट्रैक हैं, ये जैसे जैसे आगे ट्यूटोरियल जाएगा वैसे मैं समझा दूंगा। जैसे जब मैं सैम्पलिंग बताऊंगा तो आपको सैम्पल ट्रैक बता दूंगा, जब आपको कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा, कॉर्ड्स पैड के बारे में, तब मैं आपको ये ट्रैक बता दूंगा, कॉर्ड ट्रैक। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। फिलहाल हम आज इन दो ट्रैक के बारे में बात करेंगे। अब ऑडियो ट्रैक क्या होता है, ऑडियो ट्रैक हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हमें माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करना है, चाहे वोकल्स हो गया, चाहे तबला हो गया, गिटार हो गया, कोई भी चीज़ अगर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करें या फिर साइड वाले आंटी की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो हम ऑडियो ट्रैक से रिकॉर्ड करेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रैक हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट से या VST से रिकॉर्ड करना रहता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक विंडो खुल जाती है। अब ये पूछती है कि मोनो रहेगा कि स्टीरियो रहेगा ट्रैक। तो अगर आप माइक से रिकॉर्ड करें, एक सिंगल माइक से, तो ऑब्वियस सी बात है मोनो रखेंगे। और यहाँ पर नाम दे देंगे आप, ठीक है। वोकल्स मैंने दे दिया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कितना ट्रैक चाहिए। मैंने कहा बस एक ही ट्रैक चाहिए, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, दो ट्रैक चाहिए तो मैंने दो कर दिया, चलो ऐड ट्रैक किया। अब यहाँ पे दो ट्रैक मेरे पास आ गए। अब इसमें जो मन करे मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और अगर मुझे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पे जाऊँगा। अब यहाँ से मुझको पूछ रहा है कि कौन सा VST आपको यूज़ करना है। तो मैंने सपोज दैट ले लिया कीज़ोन क्लासिक या फिर कोई EQBase का VST स्पेक्टर। यहाँ पे VST आ गया। अब हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि अभी मैंने की एडिटर आपको बताया नहीं है। ठीक है, की एडिटर अभी आप एक दो ट्यूटोरियल बाद सीखेंगे, जब उसके पहले की जो सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है आप वो जान जाएंगे, जैसे ये चीज़ हो गई, टूल्स हो गए, उसके बाद आप की एडिटर जानेंगे। तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है। इस सारे ट्रैक मैं करता हूँ रिमूव। ट्रैक ऐड करने के काफ़ी तरीके होते हैं, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे पूछेगा ऑडियो करना है या इंस्ट्रूमेंट करना है, यहाँ पे नाम लिख के ऐड ट्रैक कर सकते हैं। या फिर आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ से ऐड ट्रैक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, लेकिन बेसिकली लोग यूज़ यही करते हैं, यहीं से सिंपली यूज़ करते हैं। अगर हम क्यूबेस में ट्रैक इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से तो बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप फोल्डर खोल लीजिए सिंपली, जिसमें मैंने खोला और यहाँ से फाइल लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और ये फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। या फिर और भी तरीका है, मैं जाता हूँ लेफ्ट जोन में और यहाँ से मीडिया पर जाऊँगा, फाइल ब्राउज़र, यहाँ पर अब मुझे खोजना पड़ेगा कहाँ पर मेरी फाइल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और मैं इसको करता हूँ क्लोज़। अब एक और तरीका इंपोर्ट करने का, और सबसे फॉर्मल तरीका वही है कि हम जाएंगे मीडिया में, यहाँ से ओपन पूल विंडो पे, और यहाँ पे खुल के आ गई हमारी पूल विंडो। जितना ऑडियो हमने किया अपने अंदर इंपोर्ट, वो सारा ऑडियो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। हम इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, फोल्डर खुल गया। अब मैं जाता हूँ अपने फाइल्स में और यहाँ से एक फाइल मैंने किया, ठीक है।
अब क्या है कि यहाँ पे लाके हम पहले रख लेते हैं अपने पूल विंडो में, उसके बाद हमें यूज़ करना होता है तो सिंपली हम खोल खोल के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूल विंडो में रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इसको, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, फिर भी हम पूल विंडो में जाके उसको यहाँ से दोबारा ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको फिलहाल और प्ले करके सुनाता हूँ आपको। तो गाइज आई होप कि आपको ट्रैक्स क्या होते हैं और कैसे इंपोर्ट करते हैं इतना तो आइडिया सही सही लग गया होगा। अब आगे की चीज़ बताने के लिए मैं एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करके एक मेलोडी बना लेता हूँ पहले। मैं ये मेलोडी कैसे बना रहा हूँ ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं अभी ये चीज़ आपको बताया नहीं, कि एडिटर मैं आपको नहीं बताया हूँ, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये इसका चैप्टर आएगा। तो गाइस ये बन गई मेलोडी, इसकी वॉल्यूम में थोड़ा सा कम करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या फीचर मिल रहा है। सबसे पहला तो यहाँ पे हम क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा काम, ये म्यूट बटन है, ये सोलो बटन है। अगर म्यूट करते हैं तो इसको छोड़ के बाकी सब ट्रैक प्ले होगा, और सोलो करते हैं तो बाकी सब ट्रैक म्यूट हो जाएंगे, बस ये प्ले होगा। अगर मैं इसको सोलो करता हूँ तो बस ये प्ले होगा, बाकी सब म्यूट हो जाएंगे। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक डब्बा दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो एक कुछ खुल जाता है इमेजेस जिसको कि हम लगा सकते हैं, जैसे कि गिटार है, मैंने गिटार लगा दिया। ठीक है, तो इससे पहचानने में थोड़ा सा आसानी होती है कि आप सीधे देख के पहचान जाएंगे। जैसे ये वायलिन है, मैंने क्लिक किया और यहाँ से वायलिन खोजा, अगर मुझे वायलिन मिलती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका काम ये है। इसके बाद आता है ये रिकॉर्डिंग बटन। अब अगर मैं कोई ऑडियो ट्रैक लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑडियो ट्रैक लिया, यहाँ पे आया, ठीक है, अगर ये इनेबल है तब मैं रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन करूँगा तब जाके इसमें रिकॉर्ड करेगा, अगर ये इनेबल नहीं है फिर मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये मैं इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ, इसको मैं करता हूँ रिमूव। इसके बाद यहाँ पर मॉनिटर बटन, जैसे अगर फिर मैं एक ऑडियो ट्रैक लेता हूँ और इसमें मैं वोकल्स रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि जो चीज़ मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ वो मुझे हेडफोन में सुनाई देगा, रियल टाइम में जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई देगा। जो सिंगर्स होते हैं जब गाते हैं तो उस टाइम पे वो हेडफोन में अपनी आवाज़ और ट्रैक सुनते रहते हैं, ठीक है, तो वो काम आप यहाँ से करेंगे कि आप अगर इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसे ही एक क्लिक करेंगे इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी माइक आपने कनेक्ट किया है उसमें जो भी सिग्नल जा रहा है वो आपके हेडफोन में सुनाई देने लगेगा। ठीक है, इसको फिर से मैं करता हूँ रिमूव। इसके बाद यहाँ पर एक ई बटन है, एडिट चैनल सेटिंग विंडो, इसके बारे में तो पूरा डिटेल में बताना है तो अभी इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, मैं बताऊंगा कुछ देर में। इसके बाद ये जो आइकन है, यहाँ पे दो गोला बना हुआ है, ये आइकन है स्टीरियो का। अगर ये एक सर्कल होता तो मतलब ये ट्रैक मोनो में, अगर दो सर्कल है तो मतलब ये ट्रैक स्टीरियो में है। इसके बाद यहाँ पर आता है रीड राइट ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मेरे ख्याल से 8th 9th ट्यूटोरियल कुछ होगा तो उसमें मैं आपको ऑटोमेशन में बताऊँगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के बिना कोई भी गाना पूरा नहीं होता, अधूरा ही रहता। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर हमें कोई सर्च करना है, जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैक होता तो हमें सर्च करना पड़ता कि वायलिन वाला कहाँ गया, मैंने क्लिक किया तो वायलिन वाला सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे चार ट्रैक है तो आप सिंपली खोज सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा होता तो आप सर्च करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर, अब ये ट्रैक टाइप फिल्टर है कि आप चाहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जितने हैं वो हिडन हो जाए, मैंने इस पर क्लिक किया, अनचेक किया, अब एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक था वो हमें शो नहीं कर रहा है। यहाँ हम चाहते हैं कि जितने ऑडियो ट्रैक हैं वो हट जाएँ, ऑडियो ट्रैक हट गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रैक शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये काम होता है। इसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हाइड ट्रैक पिक्चर्स का ऑप्शन दे रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पिक्चर्स हैं ये हाइड हो जाते हैं, अगर इस पर हम दोबारा शो पे करते हैं तो ये आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस गियर पर तो ये विंडो खुल जाती है, ये ट्रैक कंट्रोल से रिलेटेड कुछ सेटिंग देती है हमको। अब क्या है कि जैसे
यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें विजिबल हैं और ये चीज़ें विजिबल नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर लॉक वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे शो करे, मैं ऐड करूँगा, अप्लाई करूँगा, यहाँ पे लॉक वाला ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लेन वाला है इसको मैं हाइड कर दूँ। मैंने लेन पे क्लिक किया, रिमूव किया और अप्लाई कर दिया, लेन हट गया, ठीक है। तो ऐसे करके फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन होता है कि क्या हम देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा सेटिंग का आपको देता है फीचर। तो गाइज अब आते हैं इस ई वाले बटन पे। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो एक विंडो खुल गई जिसका कि नाम है एडिट चैनल सेटिंग विंडो। अब जितने इफेक्ट लगाने होते हैं हमें, ट्रैक से रिलेटेड ईक्यू करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो इसी विंडो में हम करते हैं। अब यहाँ पे पहला चीज़ है इंसर्ट। अगर मुझे इस पर कोई इफेक्ट लगाना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ईक्यू लगाऊं, तो यहाँ पे ये खुल के आ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि रिवर्ब लगाऊं, तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे रिवर्ब आ गया। तो जितना इफेक्ट है मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी ये जो एडिट चैनल सेटिंग विंडो खुली, ये खुली गिटार वाले ट्रैक की, इस ट्रैक की। अगर मैं इसकी खोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करूँगा, मैं इसकी खोलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसकी खुलेगी, ठीक है। अब अगर मैं इसकी खोलूँ और मुझे नीचे आना, तो मैं सिंपली यहीं से नीचे आ सकता हूँ। ये वायलिन वाली खुल गई, ये पियानो वाली खुल गई, ठीक है। अब जो ये वाली एरो दी है, ये है कि लास्ट किस चैनल पे हमने काम किया था। इस पर मैंने क्लिक किया तो इस पर हमने काम किया था, इसके पहले मैं इस पर गया था, इसके पहले मैं इस पर गया था, इसके बाद मैं इस पर आया था। तो ऐसे करके ये अप डाउन करने के लिए और ये प्रीवियस और नेक्स्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका इनपुट, आपका आउटपुट, ठीक है। तो गाइस मैंने एक सड़ी सी आर्ट बना ली ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और ये ऑडियो इंस्ट्रूमेंट है। ये रिकॉर्ड कैसे हुआ देखो। तो गाइस ये हमारा क्यूबेस और इसमें हम दो चीज़ से इनपुट डाल सकते हैं, पहला है माइक और दूसरा है मिडी या फिर वीएसटी इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि हम अपने क्यूबेस में इनपुट डालते हैं, ठीक है। क्यूबेस में प्रोसेस होता है और आउटपुट से बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं स्टीरियो आउट, ठीक है। अंदर जाता है तो वो चाहे माइक के थ्रू जाता है, जिसको भी स्टीरियो इन कहते हैं, या फिर वो जाता है मिडी के थ्रू, या फिर मिडी कीबोर्ड, या फिर वीएसटी बोल लीजिए। और क्यूबेस में कॉर्ड्स पैड भी एक फीचर होता है, जिससे कि हम कॉर्ड्स डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज और आपको बताता हूँ। ये वॉयलिन है, ये हमारे स्टीरियो इन से गया अंदर और स्टीरियो आउट से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे दिया लेफ्ट या राइट, लेकिन हमने सेलेक्ट किया स्टीरियो आउट। अगर हम लेफ्ट या राइट सेलेक्ट करेंगे तो बस ये एक में सुनाई देगा। तो गाइज हमने वहाँ आउटपुट में स्टीरियो आउट सेलेक्ट किया, इससे क्या होगा कि दोनों में हमें सुनाई देगा, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट या राइट करता तो बस लेफ्ट में या फिर राइट में सुनाई देता। अब यहाँ पे स्टीरियो इन है, ठीक है। अब स्टीरियो इन का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम रिकॉर्ड करें वो माइक से या वो स्टीरियो में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। उसको जब हम ट्रैक ऐड करते हैं यहाँ से ना, जब ट्रैक ऐड करते हैं तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि स्टीरियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि मोनो में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक माइक से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मोनो में रिकॉर्ड करेंगे, वोकल्स रिकॉर्ड करना तो वो मोनो में हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे इसमें, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, कंफ्यूज मत होना। अब ये तो ऑडियो ट्रैक है, ये है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जो कि मैंने बनाया। तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ ई पे, तो यहाँ पे स्टीरियो आउट में तो वही दिखा रहा है कि यहाँ से जाके स्टीरियो में हमें दोनों में सुनाई देगा, क्यूबेस में आके। अब क्यूबेस में कैसे आ रहा है वो, अब क्यूबेस में ये यहाँ पे इनपुट की जगह यहाँ पे दिया है ऑल मिडी इनपुट, कि जो मिडी से हम प्ले कर रहे हैं, मिडी कीबोर्ड से प्ले कर रहे हैं या फिर कॉर्ड पैड से प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला वहाँ से इसमें जाएगा और फिर जाके स्टीरियो आउट से निकलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं समझा रहा था इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे वो खुल जाएगा, मैंने नेक्सस लिया था तो वो खुल गया। प्रीसेट हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सारे प्रीसेट हम लोड कर सकते हैं। फिलहाल इसका काम हमें नहीं है,
और बाकी ये सब सेटिंग्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या ऊपर देखना है। मैंने अगर यहाँ पे ये हटा दिया तो हट गया, ठीक है। मैंने फिर क्लिक किया तो आ गया, ओके। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितने इफेक्ट हैं आप वो लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें EQ करना है, ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो गिटार है मैंने इसको सोलो कर दिया और मैं इसको लूप कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना भागे, और मैंने इसके एडिट चैनल सेटिंग विंडो खोल ली। इसमें दो इफेक्ट पहले से लगा हुआ है, उसको मैं करता हूँ रिमूव। उसके बाद हम यहाँ से EQ छेड़ सकते हैं, जैसे इसको मैं प्ले करता हूँ और EQ मैं छेड़ता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला EQ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला EQ नहीं यूज़ करना है तो सिंपली हम यहाँ पे कोई EQ ले लेंगे। और ये वाला EQ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दूसरा EQ लेना हो तो हम यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक दिया चैनल स्ट्रिप। अगर आपको कंप्रेसर यूज़ करना है, EQ यूज़ करना है, गेट यूज़ करना है, लिमिटर यूज़ करना है, सैचुरेटर यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कंप्रेसर यूज़ करना है, मैं यहाँ पे कंप्रेसर पे गया, मैंने कंप्रेसर लगा दिया, ठीक है। लेकिन अभी जो ये नया वाला अपडेट है उसमें क्या है कि एक स्ट्रिप दे दिया है। इसमें क्या है कि हम मैं यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ ये सब जो इफेक्ट लगाया हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। ये खाली है। अब चैनल स्ट्रिप में क्या है कि यहाँ से इनपुट आ रहा है पूरा आपका, इस साइड से आ रहा है। अगर आप ये गेट ऑन किए तो पहले वो गेट के थ्रू होगा, फिर कंप्रेशर के थ्रू होगा, फिर EQ के थ्रू होगा, फिर टूल्स के थ्रू, फिर सेचुरेटर के थ्रू, लिमिटर के थ्रू, और फिर जाके आपका आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लगाने के बजाय आप यहाँ भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे गेट लगाना है, मैंने यहाँ से ऑन किया गेट, मुझे कंप्रेशर लगाना है, मैंने यहाँ पे कंप्रेसर ऑन किया, टूल्स लगाना है, मैंने यहाँ से टूल्स पे क्लिक किया, DSR आ गया, ठीक है, सेचुरेटर, लिमिटर, तो ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ फिलहाल अपने हिसाब से। तो वो आएगा, पहले नॉइज़ गेट अप्लाई होगा, उसके बाद फिर कंप्रेसर अप्लाई होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो कंप्रेसर खुल गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें इस पर अप्लाई होंगी और फिर जाके ये आपका निकलेगा। फिलहाल ये मैं यूज़ नहीं करता, मैं सिंपली प्रीफर करता हूँ कि यहाँ पे जो मुझे यूज़ करना है मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपना यूज़ करूँ, ठीक है। इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं, फिलहाल बाईपास कर सकते हैं। और ये जो EQ है यहाँ पे, ये वाला EQ, ये सेम वही EQ है जो कि यहाँ से हम, जैसे मैंने अगर इसको ऊपर कर दिया पूरा, तो ये वही वाला EQ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे में आप कहाँ इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से आप आके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारा सेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम FX चैनल लगा सकते हैं। अगर हमें कोई पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है, हमें रिवर्ब डालना है, हमें डिले डालना है, सेचुरेशन डालना है पैरेलली, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक, इसके बाद ये आता है फेडर। फेडर में यहाँ से हम उसको पैन कर सकते हैं लेफ्ट राइट, जहाँ भी हम सुनना चाहें। जैसे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ इस ट्रैक को, गिटार वाले, तो गिटार वाला ट्रैक मैं प्ले करके इसको लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, आप देखिएगा हेडफोन में अपने। तो आई होप कि आपको फर्क फील हुआ होगा। यहाँ से आप सोलो कर सकते हैं और म्यूट कर सकते हैं, सेम वही चीज़। अभी तक सोलो में चला था, मैं अगर इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो ये अब सारे ट्रैक चलेंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ से फेडर है, इससे हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं प्ले करके कम ज़्यादा करता हूँ, ओके। ये सेम चीज़ है रीड राइट ऑटोमेशन वाला, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो कि मैं बोला आपसे कि ऑटोमेशन में बताऊंगा इसको। यहाँ से आपका मॉनिटर बटन है, सेम ये वाले बटन, और ये रिकॉर्डिंग बटन है, ये वाले बटन, ठीक है। यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि स्टीरियो है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा था। और यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने अपने ओर से पूरी मेहनत की आपको समझाने के लिए।
अब आप अपने साइड की मेहनत कीजिए, इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अगला ट्यूटोरियल होगा क्यूबेस के टूल्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।